हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल anujindal.in। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल anujindal.in को सब्सक्राइब कर दिया होगा फॉर ऑल रीसेंट अपडेट्स। एंड आई एम शिवम सिंघानिया, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर वन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे स्टूडेंट्स से कि एक न्यूज़पेपर है डेक्कन हेराल्ड, जिसमें एक न्यूज़ आई है रिलेटिंग टू दी वैम्पिंग ऑफ UGC NET फॉर एडमिशन टू M.Phil PhD। उसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, तो हमें लगा कि मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाऊं कि इस न्यूज़ का मतलब क्या है और उसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है हमारे फ्यूचर में रिगार्डिंग एडमिशंस फॉर M.Phil PhD। सो रिवैम्पिंग का मतलब ये होता है कि UGC NET JRF को हटा दिया गया है अब एडमिशन के लिए और एंट्रेंस बेस्ड रखा गया है फॉर एडमिशन टू M.Phil एंड PhD। लेकिन यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अभी UGC की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया वेबसाइट पे, तो हम UGC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे। बट तब तक के लिए ये जो न्यूज़ आई है इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। मैं ब्लैकबोर्ड पे बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में आपको समझाता हूँ कि क्या करंट रूल है एडमिशन का फॉर M.Phil PhD यूनिवर्सिटीज़ में, और अब जो न्यूज़ आई है या जो एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आएगी उसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है फ्यूचर के लिए। सो आइए एक बार देख लेते हैं। सो अभी करंट रूल क्या है या प्रीवियस रूल कह सकते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है M.Phil PhD में और आप नॉन नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, मतलब अगर अभी तक आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं M.Phil PhD में किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना पड़ता है। और अगर आप नेट JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट है, मतलब अगर आपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट बीट कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस में अगर नेट या फिर JRF क्वालिफाई कर लिया है, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं। सो इस तरीके से दो क्राइटेरिया में डिवाइडेड है एडमिशंस। एक बार जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं वो भी इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, और जो नेट JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं। अब अगर इंटरव्यू के बारे में बात करें तो जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो प्योरली इंटरव्यू पे बेस्ड होता है, उसमें कोई भी वेटेज नहीं है, ना कि इस एंट्रेंस की और ना ही नेट JRF की। सो आपको नेट JRF क्वालिफाई करने से या फिर एंट्रेंस क्वालिफाई करने का कोई भी वेटेज नहीं मिलता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, और सिर्फ ये इंटरव्यू ही बेसिस रह जाता है फॉर योर सिलेक्शन इन टू M.Phil एंड PhD। सो इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम रहती है कि हम पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो हम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अब जो रिसेंट चेंज आया है उसको एक बार देख लेते हैं। अब जो न्यूज़ आ रही है डेक्कन हेराल्ड में उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, अगर आप नॉन नेट स्टूडेंट्स हैं या फिर अगर आप नेट JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, अगर आपने क्वालिफाई किया है या आपने क्वालिफाई नहीं किया है, दोनों ही सूरत में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का। और एंट्रेंस क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होगा कि एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे एंट्रेंस में, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे 50% या उससे ज़्यादा स्कोर करके, वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब एक बार एंट्रेंस का सिलेबस समझ लेते हैं कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। तो अभी तक कुछ भी ऐसा सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं था, स्ट्रेट आपसे पेपर वन और पेपर टू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे पुराने क्राइटेरिया में एंट्रेंस में, जबकि अब UGC की रेगुलेशन ने प्रॉपरली एंट्रेंस का सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया है। सो आप यहां देख सकते हैं कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे क्वेश्चन पेपर में एंट्रेंस के, वो रिसर्च मेथोलॉजी से आएंगे या रिसर्च एप्टीट्यूड आप कह सकते हैं, और जो 50% ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे वो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हैं मैनेजमेंट में ले रहे हैं, तो 50% ऑफ द क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके नेट JRF में पेपर टू का सिलेबस होता था। तो ये बात कर ली हमने सिलेबस के बारे में। अब बात करें कि अगर आप 50% स्कोर करके एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सीधे इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। अब इंटरव्यू में पहुंचने के बाद भी जो नया नोटिफिकेशन है या जो नया रेगुलेशन एक्सपेक्टेड है उसमें प्रॉपर वेटेज गिवन है। फॉर एग्जांपल, यहां पे आप देख सकते हैं कि 70% ऑफ द वेटेज जो होगा वो आपके एंट्रेंस का होगा, और जो 30% ऑफ द वेटेज होगा वो आपके इंटरव्यू का होगा। सो ये वेटेज होने वाला है। इस वेटेज का एडवांटेज ये है कि जो पहले सब्जेक्टिविटी हुआ करती थी कि आप सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे क्वालिफाई करेंगे, वो सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि 70% वेटेज देना एंट्रेंस को बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर इंटरव्यू स्किल्स नहीं है या जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, वो 70% ऑफ द वेटेज का एडवांटेज ले सकेंगे और उनका एडमिशन भी इक्वली हो पाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस पर्टिकुलर एंट्रेंस के होने से नेट JRF की वैल्यू खत्म हो जाएगी या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नेट JRF की कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से नेट JRF की वैल्यू खत्म नहीं होगी, एक बार उसको समझ लेते हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अभी भी कॉलेजेस में अगर आपको लेक्चरारशिप लगना है या एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी अभी भी नेट JRF है।
अनटिल एंड अनलेस कि हम 2021 की बात करें, जब पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगा डिपार्टमेंट एंड कॉलेजेस में। सेकेंड एडवांटेज की बात करें, प्रिपरेशन, अगर आप नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अच्छे से अपने कंसेप्ट्स बिल्ड किए हैं बोथ पेपर वन एंड पेपर टू में, तो आप इजीली ये एंट्रेंस निकाल पाएंगे, तो आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जीआरएफ स्कॉलरशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप करंट क्राइटेरिया के हिसाब से भी अगर इंटरव्यू क्लियर करके एडमिशन ले लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप की जरूरत पड़ेगी। वो स्कॉलरशिप आपको तभी मिल पाएगी यूजीसी से अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। सो बिल्कुल भी नेट जीआरएफ की वैल्यू खत्म नहीं हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि अब आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि एंट्रेंस की प्रिपरेशन पे क्या स्पेसिफिक ध्यान देना है हमें। सो अगर ये नोटिफिकेशन वैलिड हो जाती है और यूजीसी का नोटिफिकेशन आ जाता है इस रूल को लेकर, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे। अब आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि 50% ऑफ द वेटेज रिसर्च मेथोडोलॉजी का हो गया है और सिर्फ 50% आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से है, सो इसका मतलब ये है कि अब जो दो सब्जेक्ट हैं, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस का पार्ट बनते हैं, तो आपको इन दो सब्जेक्ट पे खास करके ध्यान देना है, प्रॉपर कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है ताकि आप अच्छे से एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर हो सकें। और साथ ही साथ जो 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर टू में आपके आते थे नेट के एग्जाम में, उसको भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑलरेडी आपने जब नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो इस पर्टिकुलर रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो पुराना रूल फॉलो हो रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स निकल के आते थे जो फाइनली इंटरव्यू में बैठते थे, और सिंस बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते थे और पूरा का पूरा सोल क्राइटेरिया सिलेक्शन का इंटरव्यू होता था, दैट इज़ 100%, सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते थे हमारे स्टूडेंट्स उसे क्रैक करने में। तो अब जो नया रूल है वो इस चीज़ में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। साथ ही एक और बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देखें, और आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे कि अगर हम एंट्रेंस के बारे में बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ इस साल 3 कैंडिडेट्स ने ही एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, जबकि अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें डायरेक्ट कैटेगरी के हिसाब से, तो आप देख सकेंगे कि 893 स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट कैटेगरी के हिसाब से डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो यस, कंपटीशन ज़रूर बढ़ा है, बट वो स्टूडेंट्स जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और जो इस चीज़ की शिकायत करते थे कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिवनेस है जिसकी वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाता, वो चीज़ खत्म होने वाली है और बहुत ज़्यादा मेरिट को वैल्यू दी जा रही है। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करें, अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान रखें, और आप बहुत ईजिली एंट्रेंस को क्रैक कर पाएंगे और अपनी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे फॉर एमफिल एंड पीएचडी। अगर आपको इससे रिलेटेड और अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज anujindal.in। ऑल्सो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर क्विजेस कराते रहते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल एंड वीडियोस की भी अपडेट्स आती रहती हैं। ऑल्सो अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं फॉर पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट एज वेल एज HRM, तो आप हमारी वेबसाइट anujindal.in पे जाके उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर इसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।